अपनी तरफ आकर्षित करता है और ये क्या हुआ बोलो। अरे बोलो तो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इस टाइम पे मैं आया हुआ हूँ देवास, क्योंकि देवास में मेरा CISF का फिजिकल था जो कि आज मैंने क्वालिफाइड कर लिया है। और आज हम घूमेंगे अब देवास। यहाँ बगल में माता जी का मंदिर है, आपको हम दर्शन कराते हैं, तो आप वीडियो में बने रहें। और यहाँ हम रुके हैं, ये पुलिस बैरक बोलते हैं इसे, यहीं पे हम लोगों ने कल रात गुजारी और फिर गए फिजिकल देने। और अब आया हूँ, नहा धो के रेडी हो गया हूँ, फिर मिलते हैं हम आपको आगे, आप वीडियो में बने रहें। तो हम घर से निकल चुके हैं माता जी के मंदिर जाने के लिए। और यहाँ से जो आपको ऊंचाई दिख रही है, यही है माता जी का मंदिर। यही है रोपवे से जाने का रास्ता यहाँ का। और बहुत ऐसे लगी है भूख, और हम आ गए होटल में खाना खाने। और अगर आप पैदल जाते हो तो यहाँ से पैदल जाने का रास्ता है कुमार गंधर्व द्वार कहते हैं इसे। सीधे सड़क गई हुई है ऊपर तक, और सीढ़ी से भी जाने का रास्ता है। और रोपवे तो मैंने आपको दिखाई दिया था, और भारी बारिश हो रही है और भूख बहुत ही लगी थी, तो इसलिए पहले हमने खाना खाया और फिर अब जाएंगे माता के मंदिर। तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि सुबह से हम लोग कुछ खाए नहीं थे और खाने के बाद जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने। तो चलते हैं फिर आगे। बहुत ही ऊंचाई पे माता जी का मंदिर है, और इस तरफ से आप सीधे ऊपर जाएं मंदिर, सीधे जाने का रास्ता है सीढ़ी दूसरे साइड से, और रोपवे भी दूसरे साइड से है। ये आप देख सकते हैं, ये आने का रास्ता है और बहुत ही ऊंचाई पे है। हालत ख़राब हो चुकी है क्योंकि अभी मैं फिजिकल दे के आ रहा हूँ 5 किलोमीटर रनिंग का, उसमें तो हालत ख़राब ही थी, इसमें और हालत ख़राब हो चुकी है। आप देख सकते हैं सबका हाल। और यहाँ पे आके रुक गए हैं, भारी बारिश हो रही है, और जैसे ही बारिश निकलेगी फिर हम आगे जाएंगे। और बारिश में सभी श्रद्धालु बारिश निकलने का इंतज़ार करते हुए। साइड हो जाओ भैया। अरे, और यहाँ तो गाड़ियाँ भी चली जाती हैं। मंदिर तक पूरा सड़क बना हुआ है, दूसरे रास्ते से सीढ़ी है और तीसरे रास्ते से रोपवे है, तो आप किसी भी रास्ते से आ और जा सकते हैं। भारी बारिश का आनंद उठाते हुए, भारी बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माता रानी हमें नहीं बुला रही हैं। बारिश थोड़ी हो गई है कम, और हम लोग यहाँ भाग रहे हैं आगे जाने के लिए। और आप देख सकते हैं सीधे चढ़ाई है, सीधे। काली काली चट्टाने, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फाइनली पहुंच गए ऊपर, अब नहीं चढ़ना पड़ेगा। लॉक बनाते हैं भैया। और यहाँ जाने का रास्ता माता जी का मंदिर। और
यहाँ पे कार्य चालू है, आप देख सकते हैं। और हम लोग वहाँ नीचे से आए हैं, वो आप देख सकते हैं रोप वे नीचे से ऊपर आने का रास्ता। और आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन व्यू है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। और वो बड़ा तालाब, और इस तालाब को बोलते हैं मीठा तालाब, यहाँ का पानी बहुत ही मीठा है। ये रोपवे और यहाँ आप आते हो तो एक गलती ना करें, प्रसाद नीचे ही ले लें, ऊपर प्रसाद नहीं मिलता है। और मैंने वो गलती कर दी है, जिसकी वजह से मैं माता रानी को प्रसाद नहीं चढ़ा पाऊँगा। लेकिन अंदर हम पंडित जी से जाके बात करते हैं, अगर वो नारियल दे देते हैं तो फिर ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कितना है बेहतरीन व्यू। यहाँ दो माता हैं, यहाँ दो माता रहती हैं, एक माता के मैंने दर्शन आपको करा दिए और एक माता उस तरफ है, हम आपको वहाँ ले चलेंगे। और यहाँ की कथा ऐसी है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये माता श्रापित थी पहले, अब मुझे भी ज़्यादा अच्छे तरह से मालूम नहीं, अगर आपको मालूम हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। और कृपया आप हमारे चेहरे पर ना जाएं, क्योंकि एक हफ्ते से मैं घर से बाहर हूँ और समझ सकते हैं हालत ख़राब हो चुकी है। और ये हैं बड़ी माता जिनका नाम है तुलजा भवानी, और छोटी माता यहीं आगे उनका मंदिर है, तो हम आपको ले चलते हैं छोटी माता के दर्शन कराने। आपने बड़ी माता के दर्शन कर लिए हैं, जो कि बड़ी माता का नाम है तुलजा भवानी माता, और हम आपको ले चलते हैं छोटी माता के दर्शन कराने। और हम आपको माता की आरती दिखाते हैं। और मैंने आपको बड़ी माता की भव्य आरती करवा दी, इन्हें कहा जाता है सतलुजा माता। और हम आपको ले जा रहे हैं छोटी माता के मंदिर, तो यहाँ आपने देख ली आरती, अब चलते हैं मजा आया यार सही। अब चलते हैं हम छोटी माता के दर्शन करने। और यहाँ का व्यू जितना प्यारा है, और आप ये देख सकते हैं पीछे व्यू। और ये वही हनुमान जी का मंदिर है, जब दो बहनें आपस में झगड़ा करके यहाँ से जा रही थी, तो यही हनुमान जी ने उन्हें रोका था।
नहीं तो जो छोटी माता बड़ी माता है यहाँ से कोसों दूर चली जाती, लेकिन हनुमान जी ने इन्हें यहाँ रोका था, जिसकी वजह से छोटी माता भी यही है और बड़ी माता भी यही है। जय करो शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। और माँ चामुंडा छोटी माता मंदिर परिक्रमा पथ यही है, ये जाने का रास्ता है, हम लोग आगे जा रहे हैं, छोटी माता के दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद घर निकलेंगे। मुझे यहाँ के बारे में जितनी जानकारी थी उतनी ही जानकारी मैंने आपको दी, और अगर आपको भी यहाँ के बारे में कुछ जानकारी है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। और यही है छोटी माता का मंदिर, जिन्हें कहते हैं माँ चामुंडा। और यही है माँ चामुंडा माता, वहाँ बड़ी माता और यहाँ छोटी माता, इन्हें कहा जाता है छोटी माता। और बहुत बड़ी गुफा है यहाँ, इन्हें कोई कहा जाता है छोटी माता। जय काल भैरव। मेरा YouTube में चैनल है, मैं उसमें में वीडियो डालता हूँ, कहीं घूमने जाता हूँ तो ब्लॉग अपलोड करके वीडियो मैं बनाता हूँ डालता हूँ, बस वही अपलोड करूँगा। मेरा चैनल का नाम है शरद ब्लॉग, SHRAD ब्लॉग्स, ठीक है। चल छोटू, जय महादेव। तो हमने आपको बड़ी माता के दर्शन करवाए और छोटी माता के दर्शन करवाए, यही है माँ चामुंडा माता, इसे बोलते हैं चामुंडा टेकरी मंदिर देवास, यही है देवास। यहाँ की माता जो हैं बहुत ही विशाल हैं, आप जो भी यहाँ मनोकामना मांगेंगे वो पूर्ण होती है। तो आपको कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताएं, और आप घर बैठे दर्शन किए कि नहीं आप ये भी बताएं। तो मिलते हैं हम आपको अगली ऐसी एक वीडियो में, धन्यवाद। क्या हुआ बोलो, अरे बोलो तो।